बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पुलिस ने सहारा शहर में दी दबिश। पुराने मामले में दबिश देने पहुंची है पुलिस, तो पुराने वारंट पर सुब्रत राय के घर पहुंची है पुलिस। सुब्रत राय को गिरफ्तार करने पहुंची है पुलिस। भारी संख्या में पुलिस सुब्रत राय के घर में मौजूद है, तो NBW वारंट लेकर गिरफ्तार करने पहुंची है पुलिस। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पुलिस ने सहारा शहर में दबिश दी है। पुराने मामले में दबिश देने पहुंची है पुलिस, तो पुराने वारंट पर सुब्रत राय के घर पहुंची है पुलिस। सुब्रत राय को गिरफ्तार करने पहुंची है पुलिस, तो भारी संख्या में पुलिस सुब्रत राय के घर में मौजूद है। NBW वारंट लेकर गिरफ्तार करने पहुंची है पुलिस। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां बिहार पुलिस ने सबसे पहले आपको बता दें कि UPA पुलिस से संपर्क किया और गिरफ्तारी की मदद मांगी है, जिसके बाद दोनों राज्यों की पुलिस यहां गोमती नगर स्थित सहारा शहर के दफ्तर पहुंची। तो बिहार के नालंदा जिले की उपभोक्ता न्यायालय ने सुब्रत राय के खिलाफ NBW नोटिस जारी किया है। तो NBW वारंट लेकर गिरफ्तार करने पहुंची है पुलिस। तो सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय की गिरफ्तारी के लिए बिहार की पुलिस यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंची है और उन पर कई मुकदमे चल रहे हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार यानी आज बिहार की पुलिस सुब्रत राय के खिलाफ गैर जमानती वारंट लेकर लखनऊ आई है। तो बिहार पुलिस ने इस पूरे मामले में सबसे पहले यूपी पुलिस से संपर्क किया और गिरफ्तारी में मदद मांगी, जिसके बाद दोनों राज्यों की पुलिस यहां गोमती नगर में स्थित सहारा शहर के दफ्तर पहुंची। पुलिस का कहना है कि सहारा शहर में सुब्रत राय के खिलाफ जारी वारंट को अमल में लाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। बिहार के नालंदा जिले के उपभोक्ता न्यायालय ने सुब्रत राय के खिलाफ NBW नोटिस जारी किया है। तो सहारा बैंकिंग में निवेश ने नालंदा कंज्यूमर कोर्ट ने सुब्रत राय के खिलाफ केस दायर किया था। समन के बावजूद तो सुब्रत राय पेशी पर नहीं पहुंचे, तो कोर्ट ने NBW नोटिस जारी किया है।